हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 9 बज रहे हैं और मैं अभी नाश्ता भी बना ली हूँ और घर में पोछा वगैरह भी कर लिए, आंगन भी धो लिए और बाहर चड्डी भी लिए। आप लोग को थीमेल थीमेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या है। तो आज हम किचन में पूजा करवा रहे हैं, तो बस अभी हमको अभी नहाना है और अभी हम नहा के आते हैं। उसके बाद हम प्रसाद उरसाद बनाएंगे, उसके बाद पूजा में बैठेंगे। तो पूरा ब्लॉग वीडियो देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यार से लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं मिलती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। फिर पंडित जी आ जाएंगे तो फिर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर पूजा कैसे हो। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी कुछ फेस में भी नहीं लगाया है, सिर्फ सिंदूर लगाया है। अभी जो सबसे पहले मैं किचन में जाके ये प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी तैयार होंगी तो पूरा वीडियो देखिएगा और चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, हम किचन आ चुके हैं और किचन में आने से पहले हमने बर्तन निकाले थे कांसे के, जो ये कढ़ाई है। और अभी हम ये जो आटे हम भून रहे हैं और इसमें ना हम अपने अनुसार इसमें चीनी डाल दे रहे हैं। तो अभी हमने तो ना इसको हल्का हल्के आँच में हम इसको भून लेंगे अच्छे से। और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी दे झिमका देंगे ऊपर से और इसको बर्तन खाली कर देंगे, कांसा थाली में रख देंगे। और फिर हम यहाँ पे देखिए कढ़ाई में बैठाए हैं, दूध और खीर बना रहे हैं, गैस में बैठा दिए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पूजा के सामान के लिए क्या क्या लाए हैं। तो ये देखिए, एक थाली में फूल है और अभी एक थाली में आम, सेव, केला ये सब रखा हुआ था। और फिर से हम किचन आ जाते हैं, अभी न्यू किचन में नहीं बना रहे हैं। और ये जो खीर है उसको बार बार चलाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, रूम में छोटी सिस्टर है, ये इनका घर का नाम छोटी है। और इधर देखिए, फिर छोटी चाची भी आई हुई है, माई भी आई हुई है और यहाँ पे देखिए लोग वीडियो बना रही है। उसके बाद फिर हम किचन आ जाते हैं और इसमें हम डाल देते हैं गड्डी छुहारा और गुड़। गुड़ का खीर बना रहे हैं, अच्छा लगता है खाने में। और फिर चलिए, हम लोग फिर बनाने के बाद ना यहाँ पे पैर रंगने लग जाते हैं। तो ये देखिए, आरोही माही कैसे अपना हाथ भी रंग ली है, अपने से नहीं रंगी है, इसे छोटी चाची लगा दी है। तो देखिए सुंदर लग रहा है देखने में। और मेरा पैर अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लोग और बोल रही है हमको दीजिए, तो मेरा कंप्लीट होगा तब ना हम लोग को देंगे, क्योंकि वो लोग भी इस तरह सब पूरा पैर को भरेगी। जैसा जैसा देखती आ रही है वैसा वैसा ये भी करने खोजती है। देखिए हाथ बोल रही है इसमें भी लगा दो मम्मी। तो फिर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए चाची उधर, ये लोग को छोड़ देते हैं लगाने के लिए अपने से। देखिए कैसे कैसे माही लगा दे रही है और यहाँ पे देखिए चाची दोना बना दे रही है। दोना हमको आता है, बस सिंगल वाला दोना आता है। और चाची को देखिए डबल पत्ता वाला आता है, किस तरह से बना टीप रही है अच्छा से, जानती है चाची, पता नहीं कैसे जानती है, हमको तो नहीं आता है, तो चाची से टिपवा रहे हैं। और फिर हम लोग ना यहाँ पे पूजा में बैठ जाते हैं, पूजा स्टार्ट हो जाती है। यात्री निजापना उत्थान माया धन्य उदानम धन्यम विष्णु देवताय नमः। ओम विष्णु नमो नमः।
ॐ गणान् त्वा गणपतिगङ्गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियापतिगङ्गवामहे निधिनं त्वा निधिपतिगङ्गवामहे वसु मम आवरं चानि गरवं नमः त्वमदासि श्रीगणाधिपति नमः ॐ गणपति अगच्छय कृत मन्दां पूजां श्रीगणाधिपति नमः गोपुरम् ओम गणपति अगचय तीर्थमृतम पूजारण श्रीगणाधिपति नमो नम ओम गणपति नम ओम गणपति अगचय तीर्थमृतम पूजारण श्रीगणपति नम ओम गणपति जगमृतम ओम श्रीगणपति नमो नम त्रिपुरश ओम जयंती मंगलाय लालपुरगत ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गासना शिवाधात्रे स्वाहा सुधा नमस्ते नमो देवे महादेवे शिवाय दर्शन नम नमाय कृत्य भद्राय येताम गतम समताम से कृपा देवी या दक्षा या श्रेष्ठ मंत्रम पूजा ग्रहणम से कृपा देवे नम ओम कृपाय नम ओम कृपाय नमो नम कृपा ओम कृपा देवी या दक्षा या श्रेष्ठ मंत्रम पूजा ग्रहण से कृपाय नम ओम कृपाय नमो नम कृपा देवी या दक्षा या ओम भगवान सपना समझ गया ओम शंतकारं भुजंग सयनं पद्मनाभ्यं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशमेघवर्णनं सुभागवं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग्यवंदे सर्वलोकनाथ श्री विष्णु देवताय नमः यदा ओम विष्णु देवताभ्यो नमः ओम विष्णुवे नमो नमः ओम तो निरस्तिका लगा था विष्णु भगवान ओम श्रीखंड चंद्रमुनिभ्यं ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्या झंडादम उत्तम सर्वदेना चंद्रम प्रतिगृताम चंद्रम समर्पयामि श्री गणपतये नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णु देवताय नमो नमः फुलवन अर्पित पतन रखो चले जा भगवान विष्णु जी का सब देवता नाम से चलो फुलवा चले जा फिर पतन चले जा एक जन फिर पता चले कौन चले जा वही तो सोचे चलो ओम श्री गणाधिपति नमः चलो बाण एको कर चल रहे हैं कौन तोड़ कर ऐसे जा मानी ओम गणपति नमः बाण हन का अभियान नमः सत्य पो नाभे नमः मात पिजन का लाभे नमः जल बात है इसे लाइक नहीं ओम इष्ट देवताय नमः कुल देवताय नमः ग्राम देवताय नमः स्थान देवताय नमः वास्तु देवताय नमः ओम त्रिभे नमः ओम ब्रह्मे नमो नमः ओम गणेश गौरी पद्मा चल पद्मा मेधा सावित्री ग्राम देता स्थान देता वास्तु देता ओम त्रिभ्य नमो नमः ओम वनस्पति रसोदम
ओम वनस्पति रसोतम उत्तम सर्वदेव नाम धूपयम हृदयताम धूपम मरिजामी आतंधा नहीं हो धूम को उत्तम तो अपने 666 से भाग उत्तम मछलो भाग उत्तम ऐसी मछली से धूम ना भर देगा आग में कैसे धुआं देगा थोड़ा सा देना है तो चलो भाई कल सॉरी और देवालन नक्षत्रादि वेजिकतम मुंज गणसंचितम तांडम प्रति गृहताम ओम एवालंगन पत्रादि भेजुक्तम मुनिपम संयुक्तम ताम्रम प्रतिदाम ताम्रम समर्पयामि श्री गणपते फलवा ओम इदम फलम माया दंत ग्लानम प्रणतम तिलकम समर्पयामि श्री गणपते नमः ओम विष्णु देवता समर्पयामि सर्वे भवे नमो नमः ओम बोलते चलो हां ओम एवालंगन पत्रादि भेजुक्तम संयुक्तम ताम्रम प्रतिदाम ताम्रम समर्पयामि।